ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। हीरो पूरे रात के ये और किशोर साहब दोनों दो, लेकिन वो अब इस समय बॉडी जल्दी पहुंचा रहे इसलिए उनका वहां पर रात में 3:30 बजे जो है जब बॉडी बरामद हो गई तब फिर हम लोग वहां पे रियल रियल पुलिस टीम होती है वो अच्छा और बंदा पकड़ा 367 ए क्या है लेते आओ देखिए ये बिल्कुल एक्टिव पुलिसिंग का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल आप लोग कई लोग मेरे साथ में कॉम्बिंग किट में मौजूद थे। इसका घटनाक्रम थोड़ा पीछे शुरू होता है। सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास Dial 100 पे सूचना आई कि एक व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को एक बच्चे के साथ देखा गया है जो कि लग रहा है कि संभवतः अपहरण हुआ है। कुछ लोगों ने बताया इस मौके पर उसकी गंभीरता को समझते हुए SSI SO CO साहब और मैं हम सब लोग थाने पर मौके पर पहुंच के हम लोगों ने कॉम्बिंग कराई ग्रामवासियों की सहायता से। पता चला कि ऐसा कोई वहां पे सुराग नहीं था और लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा जो था जिसने देखी थी घटना वो बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा था कि ये घटना हुई है। तो लिहाजा आसपास के सभी थानों में जानकारी करी गई कि कोई बच्चा मिसिंग तो नहीं है। थानों से निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में उसके बावजूद गंभीरता को समझते हुए आसपास के गाँव में मुनादी कराई गई, ऐलान कराया गया कि किसी का बच्चा गायब हो तो इसको करें। तो उसी दौरान पता लगा कि बेरी जमा गांव पड़ता है वहीं पड़ोस में, जिसका एक बच्चा साहिल उम्र लगभग 8 वर्ष साहिल सनोफ शाहिद वो आज सुबह 9 बजे से लापता है और अभी उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई गई थी। ये माना गया था कि वो आसपास कहीं गांव में घूम रहा होगा। इस पे गंभीरता को समझते हुए जो है लगातार फिर कॉम्बिंग कराई गई और डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया, सर्विलांस की टीम लगाई गई और कप्तान साहब के निर्देशन में मेरे और CO साहब के द्वारा लगातार हम लोग जो है मौके पर बने रहे, कैंप किया वहीं पर हम लोगों ने। इसी दौरान कुछ सुरागृसी करते हुए जो है एक जो अलग अलग उसमें एविडेंस आते हैं उनको एक से एक जब जोड़ा गया तो पता लगा कि गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि उनके परिवार का रिश्तेदार है और उसके द्वारा ये घटना करी गई थी। क्या रीजन क्या रहा सर? बच्चे का रिश्ता क्या लगता है ये बच्चे का चाचा लगता है, काफी निकट का रिश्ता है, ये उसका चचेरा चाचा है। क्या ये अपहरण के लिए रोटी के लिए अपहरण किया गया था? किस लिए? देखिए इसके द्वारा तो यही स्वीकार किया गया है और कोई कारण नहीं है। इसके द्वारा स्वीकार किया गया है अपने ग्वालियर बयान में, फिर बाद में इसकी निशानदेही पर बॉडी को, डेड बॉडी को बरामद कराया गया है और सारे पीसेस जब जोड़े गए तो ये बात सत्य प्रतीत हो रही है कि अपहरण इसका फिरौती के लिए किया गया था और उसके बाद में पहचाने जाने के डर से जब ये बात खुली कि ये बच्चा इसको जानता है और सारी बात खुल जाएगी तो इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या इसने फिरौती की रकम मांगी? नहीं, फिरौती की रकम मांगने का इसको समय नहीं मिल पाया क्योंकि पुलिस लगातार अपने, जैसे आपको बताया, घटना के पंजीकरण होने और उसके बारे में पता लगने से पहले केवल डायल 100 की सूचना पर पुलिस एक्टिव हो गई थी और इतनी ज्यादा पुलिस गांव में गांववासी की मदद से कॉम्बिंग करा रही थी कि हताश हो गया। जब इसके परिवार वालों द्वारा देखा गया कि ये गांव में मौजूद नहीं है और इससे कहा गया कि तुम कहां हो तो इसको समझ में आ गया कि अगर ये वापस जाएगा तो बच्चा बता देगा और अगर नहीं जाएगा तो भी इसके ऊपर शक जाएगा। तो लिहाजा इसने फिर इस चीज से बचने के लिए उस बच्चे का जो है उसने हत्या कैसे की। इसका कहना यह है कि इसने रेलवे लाइन के किनारे उसको लेकर के जा रहा था और फिर एक चलती हुई ट्रेन जो आ रही थी तो उसके सामने उसको धक्का दे दिया। तो इसका कहना था कि एक पीछे के डिब्बे के फुटबोर्ड से और उसका हैंडल है वो उसके सर में लग गया, तो छोटा बच्चा था उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। बाकी इसकी सच्चाई जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है क्लियर हो पाएगी, चोटें किस प्रकार की है। इसके द्वारा जो इकबालिया बताया गया उसके आधार पर मैं ये जानकारी रेलवे ट्रैक के पास से मिली बॉडी। जी हाँ, रेलवे ट्रैक के पास से देर रात जो है इसकी निशानदेही पे डेड बॉडी हमारी कई टीम्स लगी हुई थी
और उन सबके समायोजित जो प्रयास है उसके माध्यम से। कौन से गांव में पड़ता है जहां पर बॉडी? ये थाना नगर क्षेत्र में पड़ता है। पतंग के बहाने बच्चे को ले गया? जी हाँ, ये बात ने स्वीकार करी है कि पतंग दिलाने के बहाने, पतंग के लालच से बच्चे को ले गया था। पहले इसने पतंग ला करके दी, उसी से ही खुला। ये जो खुलासा हुआ है उसका मुख्य कारण भी यही है कि जो कहानी बताई गई थी उसमें थोड़े से, उसमें मतलब पूरी तरह कंटिन्यूटी नहीं थी, जिसके बाद में जब इससे पूछताछ करी गई तो सारी कंटिन्यूटी स्पष्ट हो गई है और घटनाक्रम का खुलासा हो गया। इस घटना को क्या कुछ कम्युनल रूप भी देने की कोशिश की गई कुछ लोगों द्वारा? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये सत्य है कि कुछ दिन पहले उसी गाँव में जो कि एक वर्ग का बाहुल्य है उसमें और दूसरे वर्ग का जो है काफ़ी संख्या कम है, वहाँ पर समय से पहले होली को जला करके इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। कल भी शाम के समय कुछ इस तरह की आवाज़ें उस भीड़ में से आई थी, उसको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी बातें किन्होंने करी। इस तरह की निश्चित रूप से इसका रूप, जैसा कि आजकल समय चल रहा है तनाव का, उसमें इस प्रकार का रूप दिया जा सकता था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जो आरोपी पकड़ा गया है, जब इससे सबके आधार पर पुलिस ने पूछताछ करनी चाहिए तो परिवार वालों ने पुलिस की सहायता नहीं की, ऐसा भी कुछ बात है? जी हाँ, पहले जिस समय इसको इससे पूछताछ करने का प्रयास किया गया था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार का व्यक्ति है, इसको क्यों लेकर के जा रहा है। फिर उनको धीरे धीरे समझा बुझा के उनको मना करके कि पुलिस का उद्देश्य केवल इसमें सच्चाई तक पहुंचना है और इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं इसके विरुद्ध, जब ये बात करी गई तो वो परिवार इसके लिए राजी हुआ और उन्होंने जो है फिर उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी। खबर, तहकीकात, हकीकत।